सिनेमा जगत में जूनियर महमूद के नाम से मशहूर अभिनेता नईम सैयद का 67 साल की उम्र में निधन हो गया है। जूनियर महमूद पेट के कैंसर से पीड़ित थे और बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। बीबीसी की सहयोगी पत्रकार सुप्रिया सोगले से बात करते हुए जूनियर महमूद के बेटे हसनैन ने अपने पिता के निधन की पुष्टि की और बताया कि देर रात 2 बजे उनका निधन हो गया। सर, अभी अभी खबर आ रही है कि जूनियर महमूद साहब नहीं रहे हैं। जी सच है मैडम। कितने बजे उनका देहांत हुआ? उनका देहांत हुआ है 2 बजे रात के 2 बजे। और कितने लंबे समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे? This happened only within 18 days. We got to know. अच्छा, ओके। और सर, किस तरह से उनका अंतिम संस्कार होने वाला है आज? उनका अभी 12:30 तक we'll be leaving from the house and post Friday namaz we'll be burying him in Santa Cruz near Santa Cruz police station. Okay. Or aeroplane garden, whatever convenient. गुरुवार को एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें जूनियर महमूद से मिलने अभिनेता जितेंद्र पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जूनियर महमूद ने जितेंद्र से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, जिसका जिक्र उन्होंने अपने दोस्त सचिन पिलगांवकर से भी किया था। ये बात जितेंद्र तक पहुंची और वो उनसे मिलने पहुंच गए। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले जूनियर महमूद ने साल 1967 में आई फिल्म नौनिहाल से अपना करियर शुरू किया था। उस समय जूनियर महमूद महज 11 साल के थे। एक साल बाद जीपीसीपी के प्रोडक्शन में बनी ब्रह्मचारी फिल्म आई। इस फिल्म के एक गाने को भला कौन भूल सकता है जिसने जूनियर महमूद को एक अलग पहचान दिलाई। गाने के बोल थे, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, जिसे मशहूर गीतकार शैलेंद्र ने लिखा था। इसके अलावा जूनियर महमूद हाथी मेरे साथी, कारवां, परवरिश और मेरा नाम जोकर समेत कई चर्चित फिल्मों में नजर आए। आगे चलकर ये कारवां और भी लंबा होता चला गया और जूनियर महमूद ने अपने करियर में अलग अलग भाषाओं की 250 से भी ज्यादा फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। एक्टिंग पर जबरदस्त पकड़ रखने वाले जूनियर महमूद ने निर्देशन के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया था। बतौर निर्देशक उन्होंने आधा दर्जन मराठी फिल्में डायरेक्ट की थीं।